लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। त्रिपदा गायत्री के दूसर चरण हमनी के भगवान के सभी गुण के अपना अंदर उतार के आध्यात्मिक बनल सिखावेला। तत्सव वितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, ई पूरा शब्द समुच्च में कई विलक्षण अर्थ छुपल पड़ल हवे। गायत्री के देवता सविता से प्रार्थना करल जाला कि जे श्रेष्ठ है, पाप नाशक है और देवत्व से भरा पूरा है, वो प्रकाश हमनी के अंदर प्रवेश करे। हमनी भगवान के सद्गुण श्रेष्ठता सत्प्रवृत्तियों के समूह मान के ओके गुण के अपना अंदर धारण करल सीखी। जैसे एगो ब्लॉटिंग पेपर स्याही सोख लेला, हमने श्री भगवती गायत्री सविता देवता के सभी गुण के अपना अंदर अपने व्यक्तित्व में सोख लें। यही सच्चा आध्यात्मिकता है। शेष सब ही दिखावे के धर्म है जौन आज दिखाई देता है। असली मर्म है गायत्री महाशक्ति महाप्रज्ञा के आदर्श के अपन जीवन में धारण करें। अश्विनी कुमार सुकन्या के सुंदरता पर मुग्ध हो जाले। सुकन्या उनकरा से बतावे ले कि ऊ विवाहित हैं। चवन ऋषि उनकर पति हवे, चवन ऋषि अंधा हवे ई जान के अश्विनी कुमार उनके उपचार के सुझाव रखे ले। सुकन्या अश्विनी कुमार जन के परिचय आपन पति से करावे ले। अश्विनी कुमार आपन उपचार से उनके आँख के ज्योति वापस लावे ले। चवन जब सुकन्या के देखे ले ता उनके दुख होला। अश्विनी कुमार उनके तरुण बनावे बदे दोनों के सरोवर पे ले जाले। तीनों के रूप एक जैसन हो। इन्हीं में से केहू हमार पति भी हवे। बाकी उनकरा के पहचानी कैसे? तनी को भूल भइल तो परिणाम उल्टा हो जाई। पराशक्ति वेद माता गायत्री, विष्णु प्रिया लक्ष्मी, माँ सरस्वती, हम तो हर प्रतीक रूप के कोटि कोटि प्रणाम करत हैं। इस चलाचल जगत के रचना तू कैले हो। ब्रह्मा विष्णु महेश के तू ही जननी हो। यही बदे अनुमोदन करत हैं। हे त्रिपुर सुंदरी, ई देवता कपट जाल फैलावले हवे। हम विस्मय में पड़ गई हैं। हम तो हर शरण में हैं। दर्शन दी माँ, दर्शन दी। पुत्री सुकन्या। जे हमरा शरण मा आवेला हमार हो जाला। हमरा के संकट से उबारी माता, हमार पतिव्रत धर्म घोर विपत्ति के चक्रव्यूह मा फंस गई हो। साध्वी सुकन्या, हम तोहार पतिव्रत धर्म से परिचित है। तो श्रेष्ठ पतिव्रता मा एक हो। ध्यान से देखा तो के दोनों अश्विनी कुमार से तोहार पति भिन्न दिखाई दे। वो कैसे माता? आपन बुढ़ा पति के रूप के आपन कल्पना मा सजावा, फिर वो रूप के बारी बारी से वो तीनों रूप से मिलावा। जौने रूप मा वो बुढ़ा रूप समा जाई उहे तोहार पति है।
ये हमार पति हवे, ये हमार प्राणनाथ हवे, ये हमार परमेश्वर हवे। धन्य हो देवी सुकन्या। निसंदेह आप श्रेष्ठ पतिव्रता हैं। हमनी आपके पतिव्रता धर्म के पालन के बारंबार नमन करत हैं। तरुण चवन ऋषि, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। आप दोनों के प्रयत्न से हम भाग्यशाली बन गए ले। आप हमरे पे बहुत बड़ा उपकार कैले हैं। सर्वोत्तम सुंदरी भार्या के रहला पे भी हम कौनो सुख नहीं पावत रहली, वन में असंख्य दुख झेलत रहली, एगो असहाय के तरह अपन जीवन व्यतीत करत रहली। बाकी ऋषिवर, अब तो आप असहाय नहीं सामर्थ्यवान बन गए हैं। महासती, आपके अपन पति के ही नया रूप कैसन लागल? देवता तुल्य मुनि नहीं, राजकुमार प्रतीत हो रहे हलावे। हम जन्म जन्मांतर तक आप दोनों के ऋणी रहब। देवी, अब तो आपके कोनो प्रकार के दुविधा नहीं है ना? नहीं, आप दोनों के प्रति असीम श्रद्धा हो रहा है। हमार कार्य संपन्न भाई, अब हमनी के प्रस्थान करे के आज्ञा देंगे। सूर्य कुमार लोग, हमनी के भी अपन उपकार करे के अवसर प्रदान करें। मुनिवर, ही तो उपकार के व्यापार हो जाए। उपकार के बदला में उपकार व्यापार नहीं, सद्व्यवहार होला। उपकारी पुरुष के उपकार के बदला प्रतिफल देवल साधुता है। आप दोनों के ऋण से मुक्त होवे के बदे हम आपके वो पदार्थ दे सकेला जेकर आपके कामना है। ऋषिवर, पिता श्री के आशीर्वाद से हमने के सब मनोरथ पूरा हो गए। बाकी देवता जन के साथ पंक्ति में बैठ के सोमरस पियला के हमनी के कामना पूर्ण नहीं भई। जब भी रस पियला के अवसर आयल त देवता लोग हमनी के वैद्य मान के निश्चित कर देले। यदि आप में कोनो ऐसन शक्ति है तो हमनी के अभिलाषा पूर्ण करी। हाँ ऋषिवर। आपकी अभिलाषा अवश्य पूरा हो।
महाराज, आपकी आंख में आंसू? महारानी, हम एक विवश बाप हैं। हमार पुत्री एगो भूल के प्राश्चित हेतु अपन संपूर्ण जीवन एक मुनि के अर्पित कर देलस। पता नहीं महाराज, हमनी के पुत्री वन में का खात होई? पेड़ के छाल पत्ता, कभी कभार रूखा सूखा फल, कंदमूल, और कभी न जाने भूखे पेट सो जात होई। माँ गायत्री ही जनी है, क्यों जीवित भी हा या नहीं? नहीं महारानी, माँ होई के ऐसा अशुभ बात मुंह से ना निकाली। धैर्य रखी, वो अवश्य जीवित होई। हम जानत हैं ओकर आत्मबल अत्यंत प्रबल हा। महाराज, ये हमार कुंठित विचार हा, अंधा भ्रम हा, आत्मा के छल हा। जब से आप ओके वन में छोड़ के आई लाई, का एक बार भी आप ओकर सुध लेवे गई ली? नहीं गई ली। महाराज, हमारा आपसे हाथ जोड़ के विनती हा, ओके एक बार यहां ले आई। महारानी, हमने के कन्या भाव खा, उच्चवन ऋषि के असुविधा के ध्यान कई के यहां आयल अस्वीकार कर दे। हमने के स्वयं ओसे मिले वन चलब। महाराज, देवी, तू कोनो मानवी नहीं, अप्सरा देव कन्या प्रतीत होत हो। स्वामी, वन मा सिवाय पशु पक्षी के केहू नहीं हो। यदि कोनो मनुष्य होत और ई प्रकार आपके हमार श्रृंगार करत देख ले, त का कहत? यह कहत के वन मा रहे वाला मुनि के आज भाग्य खुल गई। आज ही मुनि विश्व सुंदरी के पति है। वो ये भी अवश्य कहत, कितना भाग्यशाली है सुकन्या, जेके देवता जैसन सुंदर पति मिलल है। मिलल ही नहीं, बूढ़ा से जवान हो गई है। सुलोचने, तू अपन पतिव्रत धर्म निष्ठा और सेवा से हमरा के एक नया जीवन देले हो। ई चमत्कार तो वो देव वैद्य अश्विनी कुमार लोक के है। वो दोनों गायत्री माता की कृपा से यहाँ आयल रहले। सच्च कहता हूँ तू प्रिय, तोहे पाके हम पूर्ण हो गए हैं। और आपके पाके हम संपन्न हो गए हैं। महारानी, ये हमार पुत्री सुकन्या है ना? हाँ महाराज, उहे हा। बाकी वो तरुण पुरुष के हा, देव कुमार जैसन दिखाई देता। महाराज, वो बूढ़ा चवन ऋषि कहाँ हवे, दिखाई नहीं देत हवे? बूढ़ा चवन ऋषि स्वर्गवासी तना हो गई ले। महारानी, कहीं हमनी के पुत्री कौनो लोक निंदा करावे वाला कौनो दुष्कर्म तो नहीं कैली? हमके भी संदेह होता महाराज, कहीं सुकन्या दूसर पति तो नहीं चुन ले ले है। हमके भी ऐसे ने संदेह हो रहा है। केहू कितना भी शांत चित निर्धन ही काहे ना होके, कामदेव के पीड़ा से बचल असंभव है। काम वासना बहुते दुस्सह है, युवा अवस्था में एकर वेग और भी बढ़ जाला। पवित्र मनोअंश मा ई कन्या हमनी पे अमिट कलंक लगा देले हा,
जीकर ऐसा नीच कर्म करे वाली पुत्री होके ओकर माँ बाप के धिक्कार हम। महारानी आप विवश न कैले होती कई दुष्ट कन्या के देखे हम यहाँ कदापि न आई थी। महाराज आप भी ता नेत्रहीन ऋषि से अपन पुत्री के विवाह कर दिली। हाँ हम जैसन कर्म कैले हई वही के फल भुगत रहा है। देखी ना कैसे निर्लज्जता से पराया पुरुष के गले में बांह डाली के मचल रहा था। महारानी जी में आवा था क्या वही जाके दोनों के बद कर दही। नहीं महाराज ऐसे संसार में हमनी की निंदा हुई उत्तमता यह है कि हमनी यहाँ से वापस लौट जाएं। ई कलंकिनी का मुंह देखे हमनी कबो ना आई। स्वामी हमार माता पिता आइल हवे चली। बाकी वो दोनों तो जा रहा हवे उनकरा के रोका प्रिय। माता श्री पिताश्री पिताश्री रुक जा आपन मुंह ना दिखावा कलंकिनी। आपन बूढ़ा पति के मार के दूसर नवयुवक के साथ रंगरेली मनावत हो। रंगरेली तू आपन निर्लज्जता पे हंसत हो। पिताश्री हम ब्रह्मांड के सारा देवता के साक्षी मान के कहत हैं हम पतिव्रता हैं सदाचारिणी हैं बाकी भाग्य के विडंबना के का कहें। हमरे माता पिता द्वारा कलंकिनी होवे के दोष शेष रहल ओके भी आप आशीर्वाद के रूप में दे देली। ठीक है हम अपन पति के चरण में सहर्ष सारा जीवन व्यतीत करब। जाई आप दोनों ही कलंकिनी के मुंह मत देखी हो। नारायण नारायण। देवर्षि आपकी चरण में कोटि कोटि प्रणाम। अखंड सौभाग्यवती भव। प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान भव। प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान भव। नारायण नारायण। विचित्र संयोग हवे महाराज भ्रम विनाश के सदैव कारण बनल है। आपके पुत्री के हम अखंड सौभाग्यवती होवे के आशीर्वाद देली जानेली का है। नहीं मुनिवर। इनके ध्यान से देखी पहचानी इस सुंदर तरुण पुरुष और केहू नहीं स्वयं ऋषि चवन हवे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरे भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ऋषिवर आप उपकार के व्यवसाय करत हैं ई दोनों भी चिकित्सा के व्यवसाय करत हवे। यह कारण है कि देवता ई दोनों के घोर निंदा करेलन इनकर बहिष्कार करेलन। अश्विनी कुमार लोग आप ई रस निश्चिंत होके पी। ठहरा देखा हमारे वज्र के चमत्कार